ये तो शुरुआत है, बहुत काम बाकी है पापा, उसको मिलना है, मारना है। हेलो गाइस, वेलकम टू एनिमल टीजर रिव्यू। और एनिमल का टीजर मैंने देख लिया की सीरीज चैनल पे, 10 बजे मैंने ये टीजर देखा। एंड एनिमल के टीजर के बारे में सबसे स्पेशल क्या है हम वो बात करेंगे, और कुछ चीज़ें जो मैंने नोटिस की है उसके बारे में बात करेंगे। तो चैनल पे अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो पसंद आए तो भाई लाइक करते हुए जाना। एनिमल मूवी का जो कास्ट है वो काफ़ी तगड़ा कास्ट है। इस मूवी में है बॉबी देओल, इस मूवी में है रश्मिका मंदाना, इस मूवी में है लेजेंड अनिल कपूर, एंड सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, इस मूवी का जो हाइलाइटेड और जो करंट सुपरस्टार है, फ्यूचर मेगास्टार है, वो है रणवीर कपूर। दोस्तों, संदीप रेड्डी वांगा, जब इनकी लास्ट मूवी कबीर सिंह को एडल्ट सर्टिफिकेशन मिला था, तो इन्होंने मीडिया में खुलेआम बोला था कि आपने मेरी मूवी कबीर सिंह को एक वॉयलेंट मूवी बोला, एंड जो कि समाज के लिए सही नहीं है आपने बोला, तो जो रियल वायलेंस होता है मैं आपको वो बताऊंगा अपनी नेक्स्ट मूवी में। और इनके जो नेक्स्ट मूवी के लाइनअप है वो कुछ ऐसे ही, मतलब कोई बंदा एंगर इश्यूज से जूझ रहा है, कोई बंदा नॉर्मी है, फिर सडनली जैसे कि आपने एनिमल में देखा, एक नॉर्मी से कैसे एक माफिया गैंगस्टर में उसका कन्वर्शन हुआ, वो ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, तो वो चीज़ इसमें दिखाया गया है। तो इनके आने वाले मूवी स्पिरिट हो गए, अल्लू अर्जुन के साथ भी इनकी एक मूवी आने वाली है, तो सभी मूवी में आपको ऐसे ही देखने को मिलने वाला है। आजकल डायरेक्टर मास मूवीज़ बनाते हैं, मसाला मूवीज़ बनाते हैं, बट वो एक चीज़ मिस कर जाते हैं, वो है स्टोरी। स्टोरी स्टोरी में डीपर कोई नहीं जाता है, ट्रांसफॉर्मेशन में कोई डीपर नहीं जाता, किस तरीके से एक नॉर्मल गाय कैसे एक गैंगस्टर बना वो कोई भी नहीं दिखाएगा। वो गैंगस्टर बन गया, क्या उसकी बैक स्टोरी है, थोड़ी झलकी दिखाएगी, बट जो छोटे छोटे डिटेल्स हैं उस पर ध्यान रखता है डायरेक्टर संदीप रेड्डी वांगा, एंड इस मूवी में वो देखने को मिला। रणवीर कपूर का ट्रांसफॉर्मेशन एक नॉर्मी टीनेज गाय से एक गैंगस्टर, एक मैच्योर्ड बंदा बनाया गया उनको, किस तरीके से ये जो मूवी है, कैसे फादर सन का जो कनेक्शन है, बॉन्ड है, उसको दिखाया, कैसे अनिल कपूर जो वो नहीं चाहते उनका बेटा जो उनके बिजनेस में आए, बट फिर भी रणवीर कपूर आता है, एंड लास्ट में क्या होता है आपने देखा ना, वो जो गन वाला सीन था, वो जो मशीन गन वाला सीन था, उसको देखने के बाद पता चल गया कि रणवीर कपूर जो है अपने फादर के रिवेंज के लिए कुछ भी कर सकता है। एंड इसमें 90s के जो बेस्ट एक्टर्स हैं उन सभी को कास्ट किया गया है, अनिल कपूर, बॉबी देओल, तो ये सभी गदर मचा देंगे थिएटर में। एनिमल का टीज़र परफेक्टली बनाया गया है। BGM के लिए बहुत लोग शिकायत करेंगे, मुझे पता है कि बैकग्राउंड म्यूज़िक उतना खास नहीं है, तो एक साइड आप देख लो संदीप रेड्डी वांगा के मूवीज़ का, उनकी मूवीज़ कमर्शियल होती हैं बट वो रियलिस्टिक होती हैं, एंड जो BGM इसमें दिया गया है वो बहुत रियल फील होता है, एंड हॉलीवुड स्टाइल में फील होता है। वो BGM जो है वो एक जो विसल वाला BGM दिया गया है वो रेट्रो एक हॉलीवुड वाला म्यूज़िक लग रहा है। गाइस, टीज़र जो है वो बहुत सही बना है, संदीप वांगा के स्टाइल में बना है, संदीप रेड्डी वांगा के स्टाइल में बना है ये टीज़र, एंड इसके लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। तो मिलते हैं December 1 को इस मूवी को देखने के लिए थिएटर्स में, एंड इसका ट्रेलर भी आने वाला है जिसका एक्सक्लूसिव रिएक्शन आपको देखने को मिलेगा, रिव्यू आपको देखने को मिलेगा, कहाँ पर, मेरे चैनल पर। तो जितने भी रणवीर कपूर और डायरेक्टर संदीप रेड्डी वांगा के फैंस हैं, चैनल पे ज़रूर बने रहें। धन्यवाद।